Hey guys, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो F9 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ओप्पो दो धांसू फोन लेके आने वाला है इंडिया में, जल्दी लॉन्च करने वाला है। एक है ओप्पो F9 जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और दूसरा है ओप्पो F9 प्रो जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना लिया और उस वीडियो पे आप लोगों का काफी अच्छा प्यार मिला, दिल खुश हो गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यार जल्दी से जाओ देख लो, लेकिन रुको अभी इस वीडियो पे आए हो तो यार ये वीडियो कंप्लीट कर लो ना, आधा अधूरा क्यों छोड़े हो। तो ये वीडियो पहले देख लो, उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके वो कभी भी वीडियो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को पहले मिस मत करो। इस वीडियो में हम ओप्पो F9 के बारे में बात करने वाले हैं और आगे आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, तो यार उसके लिए थम्स अप लाइक कर दो। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ना, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया यार लाइक कर दो यार। देखो इतनी कंजूसी मत दिखाओ यार, लाइक करने में क्या कंजूसी यार, मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, आप लाइक के बटन पे क्लिक तो कर ही सकते हो। लाइक करने के बाद आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा ना यार, उस पर यार जो करना है उसके साथ करो, बस एक बार क्लिक हो जाना चाहिए यार। इस पर जैसे आप क्लिक कर दोगे बाजू में एक घंटा आ जाएगा, फिर तो यार घंटा, तो अब इतना कुछ कर लिया तो यार घंटा बस बजा दो ना, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गाइस ऐसा दावा किया जा रहा है कि ओप्पो F9 ये जो है इस बार काफी ज्यादा लोगों को मतलब पसंद आने वाला है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है ना वो थोड़ा हटके बनाई गई है। इसमें आपको ऊपर नॉच देखने को नहीं मिलता है, एक छोटा सा कर्व देखने को मिलता है जिसके बीच में आपको कैमरा मिलेगा। और इसकी जो मतलब की लुक है ना, लुक वाइज अगर हम इसे देखें ना तो काफी अट्रैक्टिव ये फोन लगता है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको डायमंड जैसा जो है वो मिल जाता है शेप, जिससे मतलब की एकदम अलग ही उसका लुक बन जाता है। इस फोन की डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2280 पिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, जो काफी अच्छा है, काफी अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे अगर इस फोन की हम बैटरी की बात करें, क्योंकि आजकल के फोन में हमें बैटरी सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि अगर बैटरी ही ज्यादा नहीं रहेगी तो यार मजा कहाँ से आएगा, फिर चार्ज के पास लगा के बैठे रहो। तो इस फोन की बैटरी बैकअप है 3500 mAh की, जो कि काफी अच्छी है, मतलब एक दिन का तो आपको बैटरी बैकअप दे ही सकता है, तो एक दिन में यार काफी अच्छी है। और ये फास्ट चार्जिंग इसमें आपको सपोर्ट करता है, मतलब कि 1-1.5 घंटे में आपका फोन जो है फुल चार्ज भी हो जाएगा, तो है ना कमाल का फोन। और इसमें आपको मीडियाटेक का P60 देखने को मिल जाता है, जो एंड्रॉयड ओरियो 8.1 पे रन करने वाला है। इसमें आपको 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक, तो ये भी अच्छी बात है इस फोन की। इसमें आपको USB-C Type देखने को मिल जाती है इस फोन में, ये खास बात है यार, USB-C Type है ना, कुछ नया ही रहता है यार ओप्पो के फोन में। और इस फोन में आपको ऊपर नॉच देखने को नहीं मिलता, वहां पे आपको एक छोटा सा कर्व देखने को मिलता है जो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब कि यूनिक सा डिजाइन दिया गया है। बीच में कैमरा है और उसके आसपास शायद सेंसर वगैरह होंगे। ऊपर आपको जो है माइक्रोफोन मिलता है जिससे आपकी आवाज जाएगी, माइक्रोफोन नहीं वो स्पीकर छोटा सा यार, जिससे बात करते कॉल पे। अगर हम इस फोन की कैमरे की बात करें तो यहाँ पे बैक साइड में आपको दो कैमरा देखने को मिल जाता है, 16 MP प्लस 2 MP का। इसका कैमरा बैक साइड का मुझे उतना खास लग नहीं रहा है, बट फ्रंट कैमरा मुझे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ओप्पो ने इस बार भी सेल्फी लवर के लिए फोन बनाया, क्योंकि 25 MP में काफी अच्छी सेल्फी आने वाली है। और अगर आप थोड़े बहुत काले भी हो तो भी गोरा बन जाओगे, सच बोल रहा हूँ यार, मेरी तरह अगर हो ना तो अच्छी खासी सेल्फी आने वाली है, ओप्पो यही करता है यार। और इस फोन की प्राइस की बात करें तो यार प्राइस थोड़ी हाई जा रही है, 22,000 रुपए के करीब जा रही है। ये कोई फिक्स नहीं है, एक्सपेक्ट है की जा रही है कि 22,000 रुपए तक होगी, और अगर यहाँ तक होगी तो यार कुछ ज्यादा हाई हो जा रहा है, क्योंकि ओप्पो F9 22,000 मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ही जाएगा। और ये 15 अगस्त तक जो है लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जो कि फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 अगस्त तक ये फोन जो है लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। तो अब आपको ये फोन कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यार 22,000 रुपए थोड़ा हाई है, बट अगर इसकी लुक वाइज और क्वालिटी वाइज फीचर वाइज अगर हम देखें ना तो अच्छा है यार 22,000 रुपए में। बट आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप सभी के ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए यार, क्योंकि मेहनत करता हूँ आपके लिए। और हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, उसके साथ जो जो खेलना है खेलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार क्लिक हो जाना चाहिए और बाजू में जो घंटा आएगा उसको बजा दो बस। धन्यवाद।